Stradia. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. So today we discuss the role of farmers. It is not an easy job to grow multifarious food crops. It is an uphill task, very difficult work. Farmer has to struggle hard in order to grow various types of crops. Situation is in front of you. तो ये जो काम है खेतों के अंदर पानी लगाना है फील्ड्स के अंदर सर्दियों के अंदर स्पेशली जो जब पानी ठंडा होता है तो पानी के नज़दीक तक आप नहीं जा सकते और फार्मर की ये जो पिंडलियाँ हैं यानी हाफ वो पानी के अंदर हाफ तक चला जाता है तो हमें जो फार्मर्स है उसको अप्रिशिएट करना है उसको सब्सिडाइज करना है उसको हमें ट्रेनिंग देनी है उसको एजुकेट करना है और उसको सपोर्ट देनी है और उसको लेडीज़ एंड जेंटलमैन पीस ऑफ माइंड जो है वो चाहिए तो अभी हम आपको ना फील्ड में ले जाएंगे जहाँ उस क्या उसकी ज़रूरतें हैं और कैसे उसे वर्क करना है लेडीज़ एंड जेंटलमैन तो आई वांट टू टेल यू कि हमारा जो फार्मर्स है वो भी कितना सिंपल है कितना हेल्पलेस है और उसके पास लैक ऑफ कैपिटल्स है ये देखें ये जो गंदम की तूड़ी है जब गंदम खुश्क हो जाती है जो ड्राई पार्ट है जब उसको ग्राइंड किया जाता है दैट इज़ टू बी यूज फॉर एनिमल फीड एंड दैट इज़ टू बी कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट फीड फॉर एनिमल्स और उसको बड़े शौक और क्रेज़ के साथ खाते हैं लेकिन उसके पास रखने के लिए जो है ना इसका कोई सिस्टम नहीं है अंडर द ओपन स्काई जो है मट्टी और गारे को मिला के जिसको वो कहते हैं ना कि पेशाब कहते हैं मट्टी और गारे का आपस में मिक्स कर देना उसको एक लेस बना के ऊपर से ना ये हाथ से बाई हैंड वो एक लेप दे देती है और जब ज़्यादा बारिशें आती हैं हैवी रेनफॉल होती है या थंडर स्टॉर्म्स आते हैं तो ये जो इस तरह का सिस्टम है इससे उनका जो फीड है वो ख़राब भी हो सकता है तो अभी हम आपको ना मेज की तरफ लेके जाएंगे तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन सिचुएशन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू हमारी जो ज़मीन है हाईली फर्टाइल है इट इज़ सूटेबल फॉर कल्टीवेटिंग एवरी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तो ये सिचुएशन आपके सामने है ये जो मक्की है इसकी फसल कितनी जानदार है और हम अपनी ज़मीन के अंदर हर चीज़ जो है वो बो सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान इज़ सो मच लकी कंट्री इन द वर्ल्ड वी हैव एवरी टाइप्स ऑफ वेदर्स वी रिसीव वार्म सीज़न विंटर सीज़न या बहार भी है ख़जाम भी है तो इन मौसमों के बदलने से वी इंजॉय वी इंटरटेन एवरी टाइप ऑफ फूड क्रॉप्स वी इंजॉय मल्टीफेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वी इंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स तो कहने का मकसद ये है कि हमें कमी किसी की नहीं जिस चीज़ की कमी है वो हमारा फार्मर जो है उसको एजुकेट करना है उसको ट्रेन करना है उसको फैसिलिटेट करना है तो अभी हम आपको ले जाएंगे जो लैंड की प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच आवर फार्मर हैज़ ये कच्ची सड़कें कच्चे रास्ते जो हैं अब फार्मर जो है अपनी जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसको बड़े मसाइल पेश आते हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ही हैज़ नो मॉडर्न टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स सड़कें कच्ची टूटी फूटी और इसी वजह से वो अपनी जो उसकी प्रोडक्शंस है ही इज़ अनएबल टू अप्रोच द फाइनल प्रोडक्शंस टू गुड मार्केट्स ड्यू टू दिस रीज़न ही अबटेन अ लिटल अमाउंट ऑफ प्राइस और जिस वजह से वो डिस्करेज होता है उसका कॉन्फिडेंस लॉस्ट होता है वो बूस्ट नहीं होता उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलती और वो जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है इफ़ ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट ही शुड अबटेन 3 or 4 lakhs फ्रॉम 1 acre कि 1 acre से इतनी अमाउंट उसे मिलेगी तो उसी वजह से उसको अमाउंट नहीं मिलती व्हाट शुड बी गवर्नमेंट हेयर डन तो होना ये चाहिए ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको हमें स्ट्रेंथ देनी है सड़कें पक्की करनी है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देनी है ताकि उसकी जो फसल है वो पक कर तैयार होकर मंडियों तक आ सके लेडीज़ एंड जेंटलमैन तो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे फार्मर के लिए वो ये है कि जो सर्दी है उसका सीज़न है विंटर सीज़न इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ तो विंटर के अंदर फार्मर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ग्रीन एनिमल फीड्स तो उसको जो जानवरों का चारा है
उसका बड़ा मसला होता है। तो ये बरसीन का सीज़न है, उसकी प्रिपरेशन के लिए जो लैंड है उसको प्रिपेयर करने का ये जो मेथड है, ये कैमरा रोटेट करके आपको बताएगा। फर्स्ट पे जो है लैंड को हमने बार बार इसके अंदर हल चलाना है, फिर इसके अंदर अगर जड़ी या बूटी जो उगती है उसको ख़त्म करना है, फिर ये जो डंग है एनिमल्स का ड्राई डंग जिसको गोबर भी बोलते हैं पंजाबी में, उसको आली भी कहते हैं, वो इसके अंदर डालते हैं, उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर एंड पे जो है ये वाटर जो है इसके अंदर ये पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ने के बाद जब पानी सारे चारों कॉर्नर्स तक वाटर की एसेस हो जाती है, तो उसके बाद जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको कहते हैं कि जो बीज है उसको प्रॉपरली वो बाई हैंड इसके अंदर स्कैटर्ड करते हैं। स्कैटर्ड करने के बाद फिर जाके जो हमारी बरसीन का पहला उसका फसल है वो तकरीबन इट विल टेक मोर देन 60 डेज और 50 डेज। अगर उसने बीज अच्छा बोया है, अगर उसने पानी प्रॉपर लगाया है, इसको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, तो फिर 50 डेज या 45 डेज के अंदर भी उसकी जो क्रॉप है वो तैयार हो जाती है फीड्स के लिए, नहीं तो इट विल टेक 60 डेज नॉर्मली। तो होना ये चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री दिस टाइम। पाकिस्तान नीड्स सम चेंजेस इन इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स, नो डाउट वी मस्ट स्टडी आवर ट्रबल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री इन ऑर्डर टू ड्रॉ लेसन फॉर द फ्यूचर। फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन पाकिस्तान हैज निगलेक्टेड द डिवेलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन, टू नो दिस सेक्टर इज टू बी मॉडर्नाइज ऑन अर्जेंट बेसिस। मॉडर्नाइज से मुराद फार्मर्स के लिए मॉडर्न टूल्स होने चाहिए, उसको जो कैपिटल्स की कमी है वो होना चाहिए, गुड क्वालिटी सीड्स उसका इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग और उसके साथ साथ जो हमारी लैंड की प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारी जो इस तरह की ये ज़मीन है ये बड़ी हाई फर्टाइल लैंड्स है, अगर फार्मर्स को हम एजुकेट नहीं करेंगे तो आफ्टर अ डेकेड आफ्टर 10 ईयर्स मेड पॉसिबल दिस फर्टाइल लैंड विल बी चेंज इन टू डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मीन्स द चेंजिंग प्रोसेस ऑफ फर्टाइल लैंड इन टू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ये होता है कि जब फार्मर ट्रेन नहीं है, उसने एक फसल बार बार इसके अंदर बो देनी है, ज़मीन को रेस्ट नहीं देनी, फिर अगर यहाँ पे वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी का जो मसला है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारी ज़मीन के लिए, और पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी की वजह से बंजर होती जा रही है। तो हमें वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी ये जो सेम और थोर का मसला है उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए पानी के लेवल को डाउन करना है, लॉन्ग टेप रूट ग्रॉस लगाना है। ये पॉपुलर है, सिंबल है, सफ़ेदा है, इस तरह के जो ट्रीज़ हैं वो लगाने हैं ताकि वो ज़मीन के अंदर से पानी को क्विकली अब्जॉर्व कर सके। तो ये जो सारी चीज़ें हमें अपने फार्मर को फैसिलिटेट करनी है, और इससे ये होगा जब हमारी फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी कौमी आमदनी में इजाफा होगा, और जब कौमी आमदनी में इजाफा होगा तो ये ए टू जी और जी टू ए हर एक शख्स तक फीकस आमदनी बढ़ेगी, लोगों का मेयार ज़िंदगी बढ़ेगा, और पाकिस्तान जो है ये डिवेलपिंग नहीं बल्कि एक डिवेल्प्ड कंट्री जो है सोन इट विल बिकम अ डिवेल्प्ड कंट्रीज। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप कि ये एक ब्लॉग रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस वॉज टोटली रिलेटिंग टू द फार्मर्स। आई डू होप कि आपको पसंद आया होगा, लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।